Hello, welcome student to TechNewsion. Myself Ajit Kumar. Today we'll see paper pattern for IT subject, right? तो पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे बोर्ड जो अभी एग्जाम होने वाला है आप लोग का, राइट? HSC 2023 महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम, राइट? तो IT सब्जेक्ट जो है बेसिकली आपका 100 मार्क्स का होता है, राइट? इट इज बेसिकली ऑफ 100 मार्क्स. ओके, सो कैसा है स्टूडेंट्स, एक्चुअली कैसा है ये? थियोरी 80 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, राइट? फाइन. सो 80 मार्क्स का कैसा होता है ये? टोटल जो है ना पूरा ऑनलाइन होता है एग्जाम, राइट? एग्जाम कैसा होता है ये? ऑनलाइन होता है आपका ये, और ये जो है ये भी ऑनलाइन ही होता है, प्रैक्टिकल लैब में होता है, कंप्यूटर लैब में, राइट? सो अभी प्रैक्टिकल का फंडा अगर बता दूं मैं, प्रैक्टिकल का कैसा रहता है, एक SOP आपको आता है, राइट? उसमें से भी कैसा होता है, 10 मार्क्स का बाइफर्केशन रहता है और 5 मार्क्स का आपको, सॉरी 15 मार्क्स का बाइफर्केशन रहता है, 5 मार्क्स का आपको, मतलब ये प्रैक्टिकल के लिए रहता है, राइट? और ये जो है ये आपका जर्नल्स के लिए रहता है, असेसमेंट के लिए, राइट? जर्नल असेसमेंट के लिए, प्रॉपर सबमिशन ऑफ योर जर्नल जो भी है उसके लिए 5-5 रहता है. तो प्रैक्टिकल का 15 मार्क्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली 15 में आपका, सो ये जो 15 मार्क्स है आप लोग को कैसा होता है, इसका भी बाइफर्केशन आता है 5, 5, 3 and 2, राइट? तो 5 मार्क किसके लिए रहता है, आपने कोड लिखा है, राइट? कुछ तो लिख के आए हो वहां पे, मतलब एकदम से कुछ भी नहीं लिखना है, बट जो भी रिलेवेंट कंटेंट रहेगा आपका, रिलेवेंट कोड रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आसपास भी कुछ लिखा है तो भी यू कैन स्कोर 5 मार्क्स फॉर दैट, राइट? देन अनदर 5 मार्क्स इज फॉर व्हाट, आपका सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर होके आपने जो कोड लिखा है, राइट? मतलब प्रॉपर आपने जो कोड लिखा है लॉजिकली करेक्ट है क्या, सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर है क्या उसका, ठीक है? उसके बाद प्रॉपर रन होना, राइट? एरर फ्री बोल सकता हूं मैं इसको. जावास्क्रिप्ट में कैसा कभी कभी एरर आते हैं तो वो वाला बोल सकते हैं, या फिर HTML तो एरर अच्छा आता नहीं है, बट देयर आल्सो. तो प्रॉपर रन हो रहा है आपका, फिर वही चीज उसका जो आउटपुट जो मिलता है उसका प्रिंट निकालना है आपको, राइट? वो प्रिंट तक आपका पूरा होता है तो ये 2 मार्क्स, देन 3, देन 5, देन 5 एंड दिस 5 मार्क्स व्हेन यू कंप्लीटेड प्रॉपरली एट योर टाइमली मैनर the submission of your journal in a timely manner, if you have done throughout the year, then you will get this 5 marks, right? So ये हो गया 15 plus 5, journal का 5, 15 marks practical, उसमें 5 mark code के लिए जो भी आपने लिखा होगा. फिर बाद में syntax, आप जाहिर से बात है जब भी आप लिखने के बाद type करते हो ये वाला, ठीक है, उस syntax वगैरह proper है क्या नहीं वो. फिर 3 mark run होने का properly, फिर बाद में 2 marks उसका आउटपुट जो उसने बोला है वो आउटपुट का जो प्रिंटआउट होता है उसके लिए, ठीक है? ये सब एक्सटर्नल्स के द्वारा होता है. ओके, ये हो गया क्लियर 20 मार्क्स का. अभी 80 मार्क्स का यहाँ पे आ जाते हैं. मैं बता देता हूँ आप लोग को कैसा होता है ये वाला चीज. यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, बेयर फॉर दैट. सो अभी कैसा है, हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, राइट? फिलिंग द ब्लैंक्स कैरीज 10 मार्क्स, 1 मार्क Each, राइट? एक एक क्वेश्चन को एक एक मार्क रहेगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स 10 मार्क्स के लिए. फिर दूसरा आपको क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स, राइट? ट्रू और फॉल्स फिर से 10 मार्क का रहेगा, कैरी फिर से 1 मार्क ईच, 10 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क. देन थर्ड वन ये क्या रहेगा आपका, MCQs रहेंगे, राइट? सिंगल करेक्ट आंसर के लिए, 1 करेक्ट आंसर वाला रहेगा, राइट? ये भी कितना रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? ये भी 10 मार्क का, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का. फिर चौथा वाला जो रहेगा वो भी MCQ ही रहेगा, बट वो कैसा रहेगा, टू चॉइस करेक्ट आंसर्स वाले रहेंगे, दोनों मतलब 5 ऑप्शंस रहेंगे तो कोई भी 2 करेक्ट आंसर रहेगा तो उसका ही आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, एंड टोटल आपका हो जाता है वो 20 मार्क्स का, राइट? 20 मार्क्स का वो हो जाता है.
देन फिफ्थ पार्ट इज अगेन एमसीक्यू है, वो कैसा होता है, थ्री करेक्ट आंसर्स पे रहता है, राइट वो थ्री करेक्ट आंसर्स पे रहता है, ओनली दो क्वेश्चंस रहते हैं, राइट और दो क्वेश्चंस रहता है और एक क्वेश्चन तीन मार्क का, तो टोटल छह मार्क का हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 10 + 10 = 20, 30, 40, 50, 56, राइट नाउ सिक्स्थ वन मैच द पेयर रहता है, मैच द फॉलोइंग रहता है, राइट मैच द फॉलोइंग रहता है, ये कितने मार्क का रहता है, चार मार्क का रहता है, राइट चार क्वेश्चन रहेंगे चार मार्क, फिर उसके बाद सेवेंथ वाला क्या रहता है, आपका आंसर इन ब्रीफ, राइट आंसर इन ब्रीफ, ओके सो आंसर इन ब्रीफ ये कितने मार्क का रहता है आपको, टोटल 10 मार्क का रहता है, 8 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, राइट वन क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, देन एट लास्ट 8th वाला जो रहता है, ए और बी ऐसे दो क्वेश्चंस रहते हैं HTML का, HTML का प्रोग्राम रहेगा या फिर साइंस वाले रहेंगे तो HTML का प्रोग्राम या फिर कॉमर्स वाले रहेंगे तो HTML प्रोग्राम, अगर साइंस वाले रहेंगे तो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम रहेगा, राइट जावा स्क्रिप्ट का रहेगा, प्रॉपरली लिख देता हूं मैं, राइट जावा स्क्रिप्ट का रहेगा, तो ये कितने मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन रहेगा सिर्फ 5 मार्क के लिए, ये वाला भी 5 मार्क के लिए, तो ऐसा हो गया ये टोटल 10 मार्क का, ठीक है तो ये 5 मार्क, ये 5 मार्क, राइट फिर ये 10 मार्क, अभी ये कितना हो गया था, इधर 56 हो गया था, अभी 460 हो गया, मतलब टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपका कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का हो गया, राइट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 60 मार्क्स का हो गया, देन ये प्रोग्राम कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क का हो गया, फिर ये आंसर इन ब्रीफ थ्योरेटिकल टाइप कितना हो गया, 10 मार्क का हो गया, तो कितना हो गया टोटल 60, 10 एंड 10, टोटल 80, राइट स्टूडेंट्स, तो अभी अगर मैं आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो इधर यहां पे बता देता हूं आपको, राइट यहां पे सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो कौन सा है, एडवांस वेब डिजाइनिंग, राइट तो ये जो चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर है, राइट तो ये आपको कितना है 25 मार्क्स का रहेगा, ये कितना रहने वाला है 25 मार्क्स का रहेगा, 25 में से मतलब विद ऑप्शन रहेगा और विदाउट ऑप्शन 20 मार्क्स रहेगा, ठीक है ये विद ऑप्शन और ये विदाउट ऑप्शन, ठीक है ना 20 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन रहेगा, ठीक है सो यहां पे मैं बता दे रहा हूं आपको थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है सो फर्स्ट चैप्टर हो गया अपना इधर, फिर सेकंड चैप्टर जो है दैट इज ऑफ व्हाट, वो कितना रहेगा सेकंड चैप्टर जो है एसईओ वाला जो चैप्टर है, राइट एसईओ वाला चैप्टर कितने मार्क्स का रहेगा, विद ऑप्शन 12 मार्क्स का रहेगा और विदाउट ऑप्शन जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ओके विद ऑप्शन और ये विदाउट ऑप्शन, ठीक है क्लियर है, और अगर मैं एक और बताऊं आपको, इधर जगह कम पड़ रहा है अभी एक सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स तो यहां पे स्पेस कम था तो अभी मैं यहां पे फिर से बता दे रहा हूं आपको, चैप्टर वन है आपका, राइट चैप्टर वन है आपका एडवांस वेब डिजाइनिंग, राइट ये चैप्टर जो है आपको कितने मार्क्स का बोला मैंने, 25 मार्क्स का रहेगा विद ऑप्शन और विदाउट 20 मार्क्स का रहेगा, ओके देन सेकेंड चैप्टर आपका इंट्रो टू एसईओ, राइट ये आपका कितने मार्क का रहेगा, 12 मार्क का रहेगा विद ऑप्शन, राइट और ये जो रहेगा आपका 10 मार्क का जो रहेगा वो विदाउट ऑप्शन, राइट विदाउट ऑप्शन, देन थर्ड वाला जो चैप्टर है वो है एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट, राइट
ये जो है वो, ये कितने मार्क्स का रहेगा आपका? 20 मार्क्स का रहेगा विथ ऑप्शन, और सेकेंड जो रहेगा इसका आपको रहेगा ये 15 मार्क्स का विथ ऑप्शन, राइट। देन फोर्थ वाला बता दे रहा हूं आपको, फोर्थ वाला है आपका ये, हा एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये भी आपको कितना 12 मार्क्स का रहेगा विथ ऑप्शन और 10 मार्क्स का रहेगा विदाउट ऑप्शन। देन फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर है आपका आई गेस, हाँ फिफ्थ चैप्टर है आपका सर्वर साइड चैप्टर, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, राइट। वो वाला जो है वो कितना रहेगा आपको 15 मार्क्स का रहेगा विथ ऑप्शन, 15 मार्क्स का रहेगा विदाउट ऑप्शन, सेम रहेगा, ठीक है। पीएचपी रिलेटेड ज्यादा रहता है इसमें। फिर ये लास्ट चैप्टर जो है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, राइट, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, ये जो चैप्टर है वो आपको कितने मार्क्स का रहेगा? फिर से सेम 12 मार्क्स का विद ऑप्शन, 10 मार्क का विदाउट ऑप्शन, राइट। तो देखो यहां पे कैलकुलेट करके, ये विदाउट ऑप्शन का जो रहता है वही लेना पड़ेगा अपने को बोर्ड के हिसाब से, कितना हो रहा है 80 हो रहा है कि नहीं देखते। तो ये कितना 20, राइट, 20, देन 10, 30, राइट, देन ये आपका 10, कितना हो गया 20, 10, 30, 40, देन ये 50, देन ये 60, देन ये 70, और ये 5 मार्क और ये 5 मार्क, कितना हो गया 80, बराबर 20, 30, देन ये आपका 25, राइट, तो 55 हो गया, 55, फिर बाद में ये 15 और ये 10, 25 फिर से, तो 55 प्लस 5, 60, देन 20, 25, 80 मार्क्स, राइट। तो ऐसे ही टोटल आपका 80 मार्क्स ऑनलाइन ये चैप्टर से आप लोग स्कोर कर सकते हो, राइट। सो ये था स्टूडेंट्स आपका पेपर पैटर्न ऑफ आईटी 2023, राइट, जो कि सेम ही होता है हर साल, राइट। सो होप सो यू अंडरस्टूड ऑल दिस चैप्टर वाइज वेटेज, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से आप देखो, अगर ये फर्स्ट चैप्टर करोगे और जावास्क्रिप्ट का भी कर लोगे खास करके ये वाला, तो भी आप लोग पास हो सकते हो, पर पासिंग का देखना नहीं यहाँ पे। तो बहुत इजी है स्कोरिंग करना सब चैप्टर में से, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 20, दो चैप्टर बड़े हैं, ये वाला 20 है और ये वाला एक बड़ा है थोड़ा, और ये सर्वर वाला बड़ा है, तो बाकी ये जो तीनों है 10-10 मार्क का, ये भी 10 मार्क का, ये भी 10 मार्क का और ये भी 10 मार्क का, ई कॉमर्स, इमर्जिंग और एसईओ वाला 10-10 मार्क के, बाकी तीन चैप्टर जो होते हैं वो 20 के ऊपर है या 20 तक है, मतलब 15 के ऊपर 20 एंड ऑल, राइट। सो होप सो यू गॉट दिस ऑल, कुछ डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड यू कैन हैव ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन फॉर बोर्ड एनलिस्टेड, मतलब अपलोड कर दिया है मैंने वीडियोज वगैरह, अगर आपको फिर से चाहिए तो I can discuss or I can explain it all. So, देखते हैं हम लोग, right? आगे आगे देखेंगे, अगर कुछ concept wise कुछ देखना है या फिर chapter wise कुछ देखना है या फिर pattern wise कुछ देखना है, तो definitely and important questions भी अगर आप लोग को लगेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। So, students, today we'll wind up over here. Till then, thank you, have a good day. Subscribe the channel, like the video if you like it, and definitely share with your friends, students of HSC Class 12, HSC Maharashtra Board, right? Those who are appearing for 2023, they can make help from these videos, right? So till then, thank you, have a good day, see ya.